जनपद फिरोजाबाद में आज विश्व गीता संस्थान द्वारा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के चलते एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहीदों के परिजनों का सम्मान करना था। इस अवसर पर देश को आजादी दिलाने वाले महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद के भतीजे सुजीत आजाद और भगत सिंह के साथ फांसी के फंदे को चूमने वाले शहीद सुखदेव के भतीजे अशोक थापर को सम्मानित किया गया। साथ ही फिरोजाबाद नगर के निवासी अमर शहीद देवेश कुलश्रेष्ठ के पिता श्री दिनेश चंद्र कुलश्रेष्ठ को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ऊर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉ. सोमेंद्र तोमर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में हुए कवि सम्मेलन ने दर्शकों और श्रोताओं को देश प्रेम से सराबोर कविताओं से मंत्रमुग्ध कर दिया। हमने हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी में इस अमृत महोत्सव के तहत जो हम लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मुक्त कंठ से वंदे मातरम भी बोल रहे हैं, तो आज हम उन शहीदों के बताए मार्गों पर चले और संगठित होकर कार्य करें और काले अंग्रेजों का खात्मा करें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएं। भले ही हमें इस पर कुर्बानी देनी पड़े, इसमें हम नौजवानों को प्रेरित करते रहेंगे, करते रहे हैं। और हमारे पूर्वज, उन्होंने, आप खुद ही जानते हैं, आज़ाद जी को कोई पकड़ नहीं पाया और अंतिम गोली उन्होंने अपने खुद को मारी थी। आज इस विश्व गीता संस्थान में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, भारत सरकार को भी मैं बधाई देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार को, बेटे योगी आदित्यनाथ को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारत की विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा आज़ाद की बनाने के लिए 151 फीट की प्रतिमा लखनऊ में लगने जा रही है, जिसका शिलान्यास 24 जुलाई को हो चुका है। विश्व गीता संस्थान के द्वारा अमर शहीदों को सम्मान देने की एक यहाँ पे कोशिश की गई है। देश के अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, उनके परिजन यहाँ पर आए हुए हैं और ये हम लोग फिरोजाबाद वासियों के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि अमर शहीद जो हैं उनके परिजनों को हम यहाँ बैठकर सम्मान दें। हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम हर फिरोजाबाद वासी के हृदय में शहीदों के प्रति सम्मान देखना चाहते हैं। हमारे फिरोजाबाद के भी स्वतंत्रता सेनानी देवेश कुलश्रेष्ठ जी के पिताजी को भी यहाँ सम्मान दिया गया और हम कवि सम्मेलन के माध्यम से एक ये भी संदेश देंगे कि देश के विभिन्न सर्वश्रेष्ठ कवि यहाँ अमर शहीदों का गुणगान करेंगे काव्य पाठ के रूप में, और जिसको देखकर हर व्यक्ति, हर माँ के दिल में एक भावना जगे कि मेरा भी बच्चा फौज में हो और उसको भी ये सम्मान मिल सके। विश्व गीता संस्थान का ब्रज प्रांत का ये कार्यक्रम है और इसमें हमने जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी और सुखदेव थापर जी के वंशज हैं, उनके भतीजे हैं, हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव को यहाँ मनाने का प्रयास किया है। और क्योंकि भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, तो हमने हमारे जो शहीद हुए हैं, जो हुतात्म हुए हैं देश के लिए, उनके परिजनों को बुलाकर एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो तो इस आज़ादी को देखने के लिए यहाँ नहीं है, लेकिन उनके परिजन, उनका रक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सुरजीत आज़ाद जी और सुखदेव जी के भतीजे यहाँ उपस्थित हैं। और उसके बाद हमने, क्योंकि विश्व जो गीता जो संस्थान है, वो विश्व गीता संस्थान हर आयाम के लिए काम करता है और स्वयं गीता जो है वो सर्वशास्त्रमयी गीता जो है वो सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। तो आज हमने कवि सम्मेलन का भी यहाँ आयोजन किया है और घर घर गीता, हर घर गीता पहुँचाने के उद्देश्य से हम पूरे देश भर में घर घर गीता पहुँचा रहे हैं। न केवल गीता पहुँचा रहे हैं, हम स्वाध्याय के लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है।